दिल्ली के ITO स्थित प्यारे लाल भवन में हेरिटेज थीम को लेकर आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। एग्जीबिशन में देश के अलग अलग जगह से आर्टिस्टों ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस आर्ट एग्जीबिशन में दक्षिणी दिल्ली के सांसद श्री रमेश भिदुड़ी और अजीत कुमार त्रिपाठी, मैनेजिंग डायरेक्टर सपल ग्रुप, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। शो के ऑर्गेनाइजर नीति विष्ट ने बताया कि इंडिया में आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जबकि अभी तक इंडिया में आर्ट एंड कल्चर को उस लेवल तक नहीं प्रमोट किया गया है। इंटरनेशनल ग्रुप आर्ट एग्जीबिशन थीम हेरिटेज के ऑर्गेनाइजर ब्रांड playwithshadows.com के साथ हमने एक जॉइंट एफर्ट किया है एज अ मिशन टू प्रमोट आर्ट एंड आर्टिस्ट ग्लोबली। आई एम डायरेक्टर ऑफ RNAC फाउंडेशन ऑल्सो हु इज इनटू प्रमोटिंग आर्ट एंड सोशल वेलफेयर वर्क फॉर वेमेन एंड चिल्ड्रन। एंड playwithshadows.com विच इज अ ब्रांड स्टार्टेड अ ईयर बैक to encourage eminent artists globally. So we thought of taking this up because in India, art and craft, culture, this is something which has taken a heritage. Technically is a term which has a dictionary meaning of inheritance. But what I feel is heritage is something which is equally important to a country's economic growth. The reason why? Because art and culture is the soul of any nation, and India being rich in cultural, musical and different sort of heritage which we have inherited from all the gharanas and renowned people. So it attracts tourism, and tourism is indirectly, one can imagine, is a huge source of economic growth and income to a country's growth. So we are thinking of contributing to our nation through this theme. It's a huge step that we have taken. And we hope that we'll get support from all people, all artists, and the many eminent artists who have, you know, supported us, like Satish Gujral, Mahua Sinha, Mahalakshmi Wankhedekar, and MF Hussain sir, who's not there, but still we have displayed his work for charity, Homi Patel, MV Dhurandhar, and many more, which are eminent, as well as the work, the fertile imagination have left a huge impression. जी हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया था तकरीबन आज से 1.5 साल पहले, playwithshadows.com करके। तो playwithshadows.com हमारा प्रयास हमेशा यही है कि हमारा मानना है कि जो टैलेंट होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, वो अमीर या गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़, उससे कोई मायने नहीं रखता है। तो जो हमने हमारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया था, यही सोच के किया था कि इंडिया में जो भी है, कहीं भी हिडन टैलेंट है या किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम उनको प्रमोट करेंगे। मतलब हमारी तरफ से एक प्रयास है कला और कला के क्षेत्र में कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, नए हिडन टैलेंट को जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है उनको मौका देने के लिए। तो हम एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ये हमारा थर्ड वन है जो हमारी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है, बाकी हमने एक दो किन्हीं के साथ कोलेबोरेशन में भी किए हैं। और भी प्रयास है कि अभी तक जैसे आप देख रहे हैं ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, तो पूरे वर्ल्ड से, मतलब पूरे इंडिया से, अलग अलग से, कोई MP से आए हैं, कोई किन्हीं के हैदराबाद से आए हैं, मुंबई से आए हैं, दिल्ली से हैं। इसी प्रकार से पीछे कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्टों से भी बात हुई थी, बट एनी हाउ वो आ नहीं पाए हैं। तो यही प्रयास है, हम आगे भी ऐसा प्रयास भविष्य में करते रहेंगे। थैंक्स फॉर आर्टिज्म गैलरी एंड नीति भिष्ट, थैंक यू वेरी मच नीतू। ये जो मेरी जो पेंटिंग्स है वो अभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है उनका नाम, और मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन जो था वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, उन्होंने मुझे वहाँ पर, एयर इंडिया आई थी, वहाँ एयर इंडिया ने मुझे चाइना एक्सपो के लिए स्पॉन्सर किया था। इंडिया से मुझे वहाँ पर प्रेजेंटेशन करना था, फिर मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में गया, वहाँ से उन्होंने मुझे IIT पवई में प्रेजेंट किया था, और वहाँ पर मेरे काफ़ी पेंटिंग्स लगे हुए थे। मैं मुकुंद पुरोहित उत्तरांचल से, चमोली डिस्ट्रिक्ट से, shadow.com के चित्रकला प्रदर्शनी में सम्मिलित हुआ हूँ। मैंने उत्तराखंड की सीमांत महिला जो चाइना बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, उनकी दिनचर्या को अपनी पेंटिंग में प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। ये हिमालयी पहाड़ के नज़दीक रहते हुए पहाड़ की तरह स्पिरिचुअल और पहाड़ की तरह दृढ़ आत्मबल वाली महिलाएं हैं। ये परिवार की रीढ़ हैं, बच्चों की शिक्षा से लेकर गृह कार्य, पशुपालन, भेड़ पालन, इन सब में अपना योगदान करती हैं।
मैं वी कौर और मैं बठिंडा से आई हूँ पंजाब से, और मैंने ये एक्राइलिक में पेंटिंग बनाई है। इसमें मैंने एनर्जी पर वर्क किया कि जब कोई आर्ट वर्क करना होता है तो एक आर्टिस्ट का दिमाग कैसे काम करेगा। कोई भी आर्ट वर्क करना हो तो हमें पहले तो बहुत टाइम लगता है, जैसे 1 मंथ भी लग जाता है कि क्या बनाएं कैसे बनाएं। तो ये उस चीज़ पर ही सारी पेंटिंग बनी है। जैसे हम कम सोचते हैं तो ये एनर्जी ऐसे फ्लो स्मूथली फ्लो करती है। मेरा नाम स्तुति है, मैं दिल्ली से ही हूँ, और मैंने पेपर आर्ट बनाया है। इसमें क्विलिंग आइटम्स हैं और ओरिगामी है, दिस इज़ ओरिगामी, और ये एक क्विलिंग है जिसमें चेस है। क्विलिंग से एनवलप्स हैं, कैश एनवलप्स, कैंडल होल्डर्स हैं, और ये पूरा पेपर है। और इसमें जैसे ये चेस है, आप इसको खेल भी सकते हैं, लाइक रियल चेस की तरह आप इसको खेल सकते हैं। और जो कैश एनवलप्स हैं, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे शादियों में अगर आपको कुछ शगन देना हो, या फिर किसी को भी कोई कैश देना हो, अगर आप लाइक दीज आर गुड एनवलप्स, तो आप इनको अच्छे से एक प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं रिंगू एज एन आर्टिस्ट, और ये मेरी पेंटिंग है। ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर की एक यादगार पिक्स है, जो गीता हमारा एक ग्रंथ है, पुराना ऐतिहासिक काफ़ी। और इसको बनाने का इंस्पिरेशन हमारी नन अदर देन हमारी नीति मैम, प्ले विथ शैडो की डायरेक्टर, सॉरी, ये हमारी डायरेक्टर हैं प्ले विथ शैडो की। इन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दिया कि आप इस पे वर्क करो, और ये बेसिकली पेंसिल वर्क है, सारा वर्क इस पे पेंसिल से है, कलर्ड पेंसिल से। ये मैंने इंडियन आर्ट हिस्ट्री के ऊपर बनाया है, और ये मैंने अजंता में बहुत ही फेमस स्टैचू है, एक मूर्ति है अप्सरा के नाम से, तो मैंने अपनी इंडियन आर्ट हिस्ट्री को अपनी पेंटिंग में दर्शाने की कोशिश की है। और ये एब्स्ट्रैक्ट में कुछ कोशिश की है बनाने की, और लाइफ के जो कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमारी जो लाइफ है वो भरी हुई है, तो वो मैंने अपनी पेंटिंग में डाले हुए हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, मैं महुआ सिन्हा हूँ, दिल्ली से हूँ। ये सारी मेरी पेंटिंग है, खजुराहो पर बेस्ड है, जो कि इंडिया हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। वो वाली मेरी पूरी जगन्नाथ टेम्पल की सनराइज़ की एक पेंटिंग है, कि जितना हम लोग काम करेंगे उतना लोगों को दिखा पाएंगे, क्योंकि हम लोग सभी जगह घूम घूम के देख नहीं सकते हैं, तो हम बना के दिखा सकते हैं। और हम जैसे कि हम लोग खुद फील करते हैं, बाकी सब कोई भी फील करे, हम चाहते हैं कि सब कोई हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो संपत्ति है, सारी दुनिया इसे देखे। यस, आई एम सी एस बेस्ट, फादर ऑफ नीति बेस्ट, द क्यूरेटर एंड ऑर्गेनाइजर हु ऑर्गेनाइज दिस prestigious heritage art exhibition. And my experience is not my first time to this Pyarelal Bhavan. When I was young, I used to come here to see plays inside by theater. But over the 4 decades, this venue has been transformed in a good infrastructure.